इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में किस तरीका से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट को आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं और ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओबीसी, बीसी, ईबीसी का जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आने के लिए जो है अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और इसके सर्च बार में सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in। सिंपली जो टाइप करके और सर्च करना है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक सेक्शन बना होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, आपको इस सेक्शन में आना है। इसमें फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिखेगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इसके जस्ट नीचे है नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र बिहार सरकार। अगर आप बिहार सरकार वाला जो है नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ये चूज करेंगे। अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे केंद्र सरकार जो है तो इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिहार सरकार के द्वारा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक किए। उसके बाद जो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से स्तर से आप बनाना चाहते हैं, अंचल स्तर से या अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। ठीक है, तो वो स्तर आपको यहाँ पे चूज करना है, मैं अंचल स्तर चूज किया। उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो है निर्गत प्रमाण पत्र पहले से है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे जेंडर आपको चूज करना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसके बाद जो है अभिवादन का टाइटल यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद जो है अप्लीकेंट का नेम पूछा जा रहा है, तो जिनके नाम से जो है अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मैं उमेश टाइप किया और जैसे स्पेस दिए तो यहाँ पे देखिए इस वो ऑटोमेटिक में हिंदी में नाम जो है कन्वर्ट हो गया। फिर से यहाँ पे जो है कुमार हम टाइप करते हैं और यहाँ पे स्पेस हम नहीं देंगे, अगले कॉलम में चलेंगे। यहाँ पे देखिए मतलब कुमार जो है इस बगल ऑटोमेटिक हिंदी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देंगे तब जो है यहाँ पे कन्वर्ट होता है हिंदी में, तो आप ये चीज समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि आपको जो है यहाँ पे चूज करना है कैलेंडर के मदद से। ठीक है, आपको जन्म तिथि आपको चूज कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपके आवेदक के मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे, अगर नहीं लिंक है तो नहीं यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है तो जो भी राज्य है यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद जो है जिला पूछा जा रहा है तो जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जो है अनुमंडल पूछा जा रहा है, अनुमंडल चूज करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी गाँव का नाम है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कुछ इस तरीका से। जैसे यहाँ पे भाषा टाइप की, यहाँ पे भास्कर लिखा गया, सॉरी भास्कर, तो हमें बैक बटन से यहाँ पे हम इसे हटाएंगे और जो यहाँ पे इस तरीका से आर दे दिया, यहाँ पे भाषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, इस तरीका से आपको टाइप करना है। उसके बाद जो है वार्ड नंबर आपका क्या है, जो भी वार्ड नंबर है यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है, तो जो भी थाना से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना थाना चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस आपका क्या है इसमें आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जो है होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार चूज करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत से अगर बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत चूज करेंगे, नगर निगम से बिलोंग करते हैं नगर निगम, या नगर परिषद से बिलोंग करते हैं या नगर पंचायत से, तो जो भी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना चूज करेंगे। जैसे मैं ग्राम पंचायत चूज किया। उसके बाद जो है चूज करने के बाद यहाँ पे पिन कोड पूछा जाएगा, तो जो भी पिन कोड है यहाँ पे अपना टाइप करेंगे। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत का यहाँ पे जो है नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी पंचायत से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है मतलब ऊपर जैसा, मतलब ये ऊपर जैसा मतलब इसका मतलब हुआ कि ऊपर में जो एड्रेस फिल किए हैं वो नीचे में मतलब परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों से सेम है, तो यहाँ पे सेम पे मतलब इस पर टिक करेंगे। अगर नहीं सेम है तो यहाँ पे जो है मैनुअली फिल करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई लेडीज का क्रिमिनल बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है उनके मायके का एड्रेस पहले फिल कीजिएगा, फिर बाद में जो है उनके ससुराल का जो है मैसेज सॉरी एड्रेस जो है यहाँ पे फिल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे धर्म पूछा जा रहा है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं इसमें आप टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगोरी पूछा जा रहा है कि किस जाति से बिलोंग करते हैं, BC1 से या BC2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो है जाति चूज करेंगे। जैसे मैं BC2 से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे हम BC2 चूज किए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जाति चूज करना है कि कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो मैं कुशवाहा कोरी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे अगर आपका उप जाति है तो उप जाति यहाँ पे चूज कर लेंगे, इसमें जो है आ जाएगा। अगर उप जाति अगर आपका नहीं होगा तो इसमें जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे पेशा आपको चूज करना है कि पेशा में आप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट चूज कर देता हूँ। उसके बाद जो है फादर का नेम आपका क्या है, यानी स्टूडेंट का फादर के नेम टाइप करना है। उसके बाद जो है अगर लेडीज का कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, अगर शादीशुदा है तो,
नहीं तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो है मदर का नेम क्या है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, उसके बाद जो है उसका मोबाइल नंबर क्या है इसमें आपको टाइप कर देना है, उसके बाद जो है ईमेल आईडी उसका क्या है स्टूडेंट का यहाँ पे आपको इसमें टाइप कर देना है। नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसमें अभिभावक का पिता या पति का स्थिति पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पिता या पति जो है यहाँ पे सरकारी जॉब में होंगे कोई भी व्यक्ति, तो इसमें आपको देना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है, अगर है तो यहाँ पे इसमें आपको जो है पद नाम क्या है सरकारी जो है मतलब सेवा यानी केंद्र सरकार में जो है उसका जॉब है या राज्य सरकार में है आपको वो देना है, पद नाम क्या है, वेतन उसका क्या है, जो नियुक्ति तिथि क्या है आपको ये सब फिल करना है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है, आपको नीचे आना है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली आय फिल करना है, यहाँ पे आय में जो है नौकरी से आय आपका कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, पेंशन से आय कितना है और कृषि से आय कितना है, यानी कि ये यहाँ पे जो आय पूछा जाता है ये पारिवारिक आय पूछा जाता है, तो जितना भी आपका आय है यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कृषि से दे दिया 1,20,000 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कर भुगतान करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे यानी यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सबको सिंपली आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो यहाँ पे 18B आवेदन यानी शपथ पत्र जो है इस पे आपको टिक पहले से रहेगा इस पे रहने देना है। उसके बाद सिंपली आपको इस पे सब पे टिक करना है, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति और आय प्रमाण पत्र पे, ठीक है। और सिंपली नीचे वाला पे छोड़ देना है और नीचे आना है, यहाँ पे ये आई एग्री आपको पहले से टिक रहेगा। और ये जो है यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको सिंपली फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कृपया अपने नाम की शुद्धता की जांच करें, यानी ऊपर में जो डिटेल दी है वो इसका एक बार जो है चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी शुद्धता की जाँच कर ले, ताकि यहाँ पे जैसे ही ये बन जाएगा तो ये उस पर जो है मोबाइल और ईमेल पे जो है एसएमएस के थ्रू जो है आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके सामने कुछ इस तरीका से आ जाएगा, तो इसमें आपको एक बार डिटेल आपको मिला लेना है जो भी चीज में फिल किए हैं वो सही है या गलत है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है, आपको लगता है कि गलत है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है अटैच पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा सारा कुछ जो है सही है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जो कि इस तरीका से अगला पेज आपके सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है शपथ पत्र आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, 18-20 जो है शपथ पत्र। ये शपथ पत्र आपको कहाँ मिलेगा, तो ये शपथ पत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो है डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करने के बाद इसको आपको फिल करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम क्या है यहाँ पे आपको जो है सिटी में दे देना है। उसके बाद जो है उसका गांव शहर क्या है यहाँ पे आपको फिल करना है, उसका पोस्ट क्या है, थाना क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे उसका जो है समुदाय किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कुशवाहा कोरी है, जैसे मैं कुशवाहा कोरी हूँ, यहाँ पे मैं कुशवाहा कोरी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिल करने के बाद इसमें आपको जो है ये फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड करना है। तो इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पे जो है आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है यहाँ पे दस्तावेज में ये पूछा जाएगा कि क्या अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं आधार कार्ड चूज किया, और फिर मैं आप लोग बता दूँ यहाँ पे जो भी चीज़ अपलोड करेंगे उस सब पे भी जो है नीचे जो है साइन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये सब जो है अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सिंपली सेव अटैचमेंट है तो इस पे आपको क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है या समझ लीजिए थोड़ा सर्वर डाउन, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरीका से, तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे फाइनल सबमिट होगा, ठीक है, यानी फाइनल जो रिसिप्ट होगा अब यहाँ पे आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है कुछ इस तरीका से आपके सामने में जो है ये इसका रिसीविंग आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम इसे एक्सपोर्ट PDF में कर लेते हैं। तो इसको जो है आपको प्रिंट का आउट करके और जो है कस्टमर को आपको दे देना है, या आप जो आप ही का है तो इसे जो है प्रिंट करके रख लेना है। और फिर मैं आप लोग बता दूँ, अगर आप जो है इसे जो है अर्जेंट में आप चाहते हैं तो आप जो है इसको लेकर के यानी इस स्लिप को निकाल लेना है, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जैसे जाति, आवासीय, आय और आधार कार्ड और जो सम्मति पत्र है मतलब जो था ये जो है सबको प्रिंट आउट करके और एक साथ इसको जो है पिनअप करके, और जो है आपको RTPS काउंटर पे जाना है और वहां पे बोलना है कि सर आपको एजेंट है जो है थोड़ा मतलब जो है इसको एक्सेप्ट कर दिया जाए। तो वहाँ के RO लेवल का जो अधिकारी होते हैं वो आपको जो है वहाँ पे मतलब जो वेरीफाई कर देंगे, तो आपका जो है एक ही दिन में जो है ये मतलब क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है एक ही दिन में आप लोगों का बन जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग जो है अपना जा करके वहाँ पे जो है अगर एजेंट में है तो, अगर नहीं है तो आप जो है इसे 21 या 22 दिन छोड़ देंगे, आपको जो है यहाँ पे 21 दिन का यहाँ पे सेवा प्रदान करने का जो तिथि देता है 21 दिन का देता है, 21 दिन में जो है आपका जो है
ये ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा। और आपको जो है डाउनलोड करने के लिए, अगर जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो डाउनलोड आपको कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है। और यहाँ से देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड है, इस पे क्लिक करके जो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे पूछा जाए, तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप टाइप करेंगे, अप्लीकेंट का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे और डाउनलोड सर्टिफिकेट भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखे हैं तो इस पे क्लिक करके, और जो है वहां से भी यस नो पूछता है तो यहाँ पे यस करेंगे, और वहां से क्लिक करके मतलब जो भी डिटेल पूछेगा वो फिल करके, और वहां भी जो है स्थिति भी चेक कर सकते हैं और जो है मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप लोग जो है अपना क्रिमिनल जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे खुद से बना सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।